अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स कैसे हैं आप लोग सब उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं टिक्कियाँ बनी हैं और आज का व्लॉग आपसे शेयर कर रहे हैं कुंडो का व्लॉग और कुंडो की नियाज जो हमारे घर में हुई थी तो हमने क्या क्या बनाया था लास्ट व्लॉग आप लोगों ने देख लिया होगा जिसमें हमने टिक्कियाँ बनाना सिखाई थी और साथ साथ हमने बना ली थी खीर जो कि दस किलो दूध की बनाई थी ठीक है वो हमने बना ली थी और ये रात की क्लिप है रात में जब हमने पूरा सब कुछ बना लिया था वो सेट कर दिया था ड्राॅइंग रूम के अंदर और उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट डे पे नेक्स्ट डे पे हमने फ़ौरन से सबसे पहले हम उठे और हमने बोला जल्दी से नाश्ता करें क्योंकि काम बहुत सारे थे बहुत सारे काम थे और हमें टाइम पे ख़त्म करने थे कि सब मेहमानों के आने से पहले हमारे सारे काम ख़त्म हो जाएं जी बिल्कुल ऐसे ही होता है और थोड़ा सा प्रेशर भी होता है तो इस वजह से बस जल्दी जल्दी से हम लोगों ने बटर और ब्रेड बस यही खाया नाश्ते के अंदर और कुछ नहीं खाया था और ये खाने के बाद हम लोग लग गए थे सफ़ाई में क्योंकि सबसे पहले हम लोगों ने सफाई वगैरह करनी थी और संडे का दिन था तो हम लोगों ने मेट को बुला लिया था कि भाई आज ज्यादा काम है तो आके तुम सफाई कर लेना बाकी सब मेट ना समाटना खुद कर लिया था और जी सफाइया हो गई हैं डन और बस अब बेड पे बिछा दिए चादर बाकी सब जगह की भी चादरें बिछ चुकी हैं और ये बताइएगा चादर कैसी लगी ये अम्मी के बेड की चादर है बहुत प्यारी मुझे तो बहुत प्यारी लगी थी आप लोग बताइएगा कि कैसी लग रही है ये चादर और अम्मी गिलाफ छोड़ा रही हैं उसपे कंट्रास्ट में ना उसके गाँव तक के बना दिए थे अम्मी ने तो जाहिर सी बात है वो दो ही होते हैं ना तो इस तरह से और यहाँ पे अम्मी बनाने लगी थी राजमा मतलब रेड किडनी बीन्स बना रही थीं और ये डेढ़ किलो अम्मी ने बॉईल करवा लिए थे ए, मतलब ना सुबह ही बॉईल हो गए थे अब उसकी मेजरमेंट अब ये बताएंगी कि इसमें प्याज कितनी थी वो अभी आप बताओ अच्छा इसमें प्याज थी चार बड़ी डली अमी ने ले ली थी प्याज की क्योंकि अच्छा खासा मसाला बनना था डेढ़ किलो थी उसकी क्वांटिटी के हिसाब से ना इसमें अमी ने लहसन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया तकरीबन चार से पाँच टेबल स्पून के बराबर और प्याज को आपने क्या करना है हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेना है उसके बाद आपने इसके अंदर मसाला वगैरह ऐड करना है जैसे अमी ने लहसन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया अब इस मसाले में क्या जाएगा नमक था टू टी स्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च थी फोर टेबल स्पून और साबुत कुटा हुआ धनिया जो था वो था टू टेबल स्पून और इसके अंदर वन टेबल स्पून के बराबर जीरा भी ऐड होगा तो अम्मी ने ये मसाला इसके अंदर ऐड कर दिया अभी साथ साथ जीरा भी ऐड कर देंगी तो इसके साथ इसको आपने भून लेना है अच्छी तरीके से अच्छा ये बहुत मज़े के बन के तैयार होते हैं और अम्मी हमेशा इसी तरह से बनाती हैं मतलब हमारे बचपन से अम्मी इसी तरह से बना रही हैं जो कि जो भी खाता है उसको बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत मज़ेदार बनते हैं इस तरह से अच्छा इसका साइड में मैंने क्या किया था अम्मी ने मुझसे इमली भिगवा दी थी और तकरीबन आधा कप के करीब जो इमली थी ना वो मैंने भिगो दी थी और फिर उसके बाद उसमें से पल्प निकलना था तो पल्प वगैरह काल की अम्मी ने रख लिया था अच्छा काम क्या करते हैं हम लोग बांट लेते हैं आपस में ना कि ये ये काम किस किस ने करना है तो क्या होता है फिर वो मैनेज हो जाता है बड़ी आसानी से ऐसा नहीं होता किसी एक के ऊपर ही लोड होता है कि कोई एक ही सारे काम कर रहा है हम तीनों मिलकर ही काम कर रहे होते हैं साथ में हमारे घर के जो जेंट्स हैं वो भी हमारी हेल्प कर रहे होते हैं थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं जहां तो, तक उनका, बस, जहां चलता तक उनका बस चलता है हम हम उनसे उनसे काम 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 करवा करवा लेते लेते हैं हैं उनको बैठा नहीं नहीं छोड़ छोड़ते <laughs> कि आप बैठे नहीं रह सकते तो उनसे भी थोड़ा बहुत काम हो जाता है मतलब ऊपर अच्छा, इसमें ना अम्मी ने वन टेबल स्पून ना जीरा ऐड कर दिया था दो बार यूं किया था क्योंकि वो टी स्पून डला हुआ है उसके बढ़ी में उसकी बढ़िया टी स्पून है तो वन टेबल स्पून ही एड होगा अच्छा ये वो इमली का पल्प है जो मैंने बताया था कि पहले से भिगो के रख दिया था तो इमली का पल्प अम्मी ने निकाल लिया था अच्छा यहाँ पर ये है चाट

टू टेबल स्पून अभी अम्मी ने ऐड किया है लेकिन थोड़ी देर के बाद में जब मैंने मसाला जब भून गया था ना मैंने चख के देखा था तो फिर मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो थोड़ा सा मैंने मतलब वन टेबल स्पून मैंने एक आ, म, और ऐड किया, किया था क्योंकि उसकी क्वांटिटी ज्यादा थी ना इस वजह से वो तो बाद में आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं यहाँ पर हम आपको बल्ब क्वांटिटी में बता रहे हैं हमेशा स्मॉल क्वांटिटी बताते हैं ना आज बल्ब क्वांटिटी देख लें अच्छा यहाँ पर ये राजमा हैगा और तीन पैकेट थे आधा आधा किलो के जो अम्मी ने बॉइल किए थे और जाहिर सी बात है तीन अलग अलग टाइम पे खरीदे हुए पैकेट थे तो तीनों का कलर अलग अलग था मतलब इसमें कुछ रेड है कुछ बहुत ज्यादा डार्क कलर के इस तरह से हैंगे राजमा ना और बॉयल होने में तो थोड़ी सी प्रॉब्लम करते हैं इस तरह के राजमा खैर अम्मी ने ये बॉयल कर लिए थे सुबह उठते के साथ ही और हम लोग थोड़ा सा लेट उठे थे मतलब दस बजे तक उठे थे उसके बाद हमने काम स्टार्ट किया था क्योंकि हम लोगों को सोते सोते ही बहुत टाइम लग लगे पांच बज गए थे तकरीबन पांच बज गए थे फिर हम दस बजे खैर उठ गए थे अच्छा राजमा अम्मी ने इसके अंदर ऐड कर दिया मसाले के अंदर आपने पानी ऐड करने के बाद उसको पकाना है कि प्याज थोड़ी सी घुलने लगे उसके बाद आपने राजमा ऐड करना है राजमा ऐड करके आपने इसको इसको मिक्स करना है मिनट आप इसको पकाएंगे पकाने के बाद क्या करना है आपने इसे पानी ऐड करना है और इसको थोड़ा सा सा, ना आपने क्या कहते हैं लूज छोड़ना है मतलब इसमें थोड़ा सा पानी होना चाहिए तकरीबन एक गिलास के बराबर क्योंकि ये अपने अंदर सक कर लेते हैं और मसाला फिर ना उसके ऊपर अच्छे से लिपट जाता है बिल्कुल ड्राई नहीं लगते हैं और अच्छे मजेदार लगते हैं तो थोड़ा सा पानी इसके अंदर छोड़ दीजिएगा जब आप चूल्हा बंद करें तब मतलब चूल्हा बंद करने से पहले चेक कर लेगा अगर ये ड्राई हो गया है तो पानी थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा इसके अंदर तो ये अच्छा रहेगा तो बस वो रेडी हो गया अच्छा यहाँ पर मैं ना गून रही थी पूरियों का आटा क्योंकि इसके इसको अच्छा खासा रेस्ट देना होता है तकरीबन आधे एक घंटे का तो मैंने सोचा ये जैसे ही राजमा रेडी हुआ तो इधर मैं आटा गूनने के लिए बैठ गई थी अच्छा आटे के अंदर आटा मैंने लिया है तीन किलो के बराबर सॉरी मैदा लिया है मैंने तीन किलो के बराबर और इसके अंदर मैंने तकरीबन फोर टू फाइव टेबल स्पून के बराबर ऑयल ऐड कर दिया था ज्यादा ऑयल नहीं ऐड किया था मैंने अच्छा जब हम बल्ब क्वांटिटी में कोई चीज बनाते हैं ना उसका तरीके कार अलग होता है और स्मॉल क्वांटिटी में जब हम बनाते हैं उसका तरीके कार अलग होता है दोनों अलग तरीके से बनती हैं चीजें एक ही तरीक़ेकार से नहीं रेसिपी भले ही सेम हो लेकिन उसका बनाने का तरीक़ेकार थोड़ा सा डिफरेंट होता है अब जैसे कि मैं इधर बल्ब क्वांटिटी में बना रही थी तो इसके अंदर मैंने मोहन कम डाला था ज़्यादा नहीं डाला था क्योंकि इसको मुझे बहुत घंटे के लिए रेस्ट पे रखना था ज़ाहिर सी बात है सारी एक साथ तो बनेंगी नहीं पूरी ना मैं अपनी आसानी के लिए पहले से इसको गून के रख दी थी अच्छी क्वांटिटी में तो बस मैंने तीन किलो मैदा लिया था फाइव टेबल मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है और मैंने इसके अंदर वन टीस्पून नमक ऐड किया था नॉर्मली इसके अंदर नमक नहीं जाता लेकिन मैंने ऐड कर दिया था एक टेस्ट के लिए ना हम्म और इसके बाद फिर नॉर्मल टैप वाटर से पानी मतलब नॉर्मल पानी से इसका आटा गूंध लिया था और अच्छे से अपियर ने मुक्की लगाई थी अभी मुक्की सही वाली मुक्की लगा लगा के इसको गूंदा था ताकि अच्छा स्मूथ सा बनेगा ना उतनी अच्छी पूरियां बन के तैयार होती हैं लेकिन मैंने इसको बहुत ज्यादा नहीं स्मूथ किया था क्योंकि इतनी बल्क क्वांटिटी में आपको कितना स्मूथ करेंगे मेरी आदत है मैं जरा जिस तरह ब्रेड डो बनाते हैं ना मैं उसी तरह से नॉर्मल डो बनाती हूँ लेकिन जाहिर सी बात है इसको तो मैं इस तरह से कर नहीं सकती थी इसको बस की ही लगानी थी मुझे ना तो बस मैंने थोड़ा सा इसको गूंदा था गूंदने के बाद मैंने इसको रख दिया था रेस्ट देने के लिए क्योंकि रेस्ट के बाद ये बिल्कुल सही हो जाएगा मुझे पता था अच्छा इसको इसका जो आटा है ना आपने पतला नहीं रखना थोड़ा हार्ड ही रखिएगा क्योंकि इसको इतनी देर तक रखा जाएगा ये सोचे तकरीबन नौ बजे या दस बजे तक यही आटा यूज होता रहेगा तो कितनी देर तक रखा जाएगा तो ये बहुत ज्यादा ढलक जाएगा तब भी पूरिया अच्छी नहीं बनेंगी तो इस बात को जहन में रखते हुए आपने आटा गूंदना है तो इधर आटा मेरा गूंद गया है इसको मैंने मैं रख दूंगी और सॉफ्ट ही गूंधा है बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं है बस इस बात का ख्याल रखिएगा और जैसे नॉर्मल हम जब स्मॉल क्वांटिटी बनाते हैं ना उसमें तो हम थोड़ा सॉफ्ट रखते का आटा वो फौरन क्योंकि वो वो बन इकट्ठी बनानी होती है तो बस कुछ कुछ चीजों का ख्याल रख के उसके बाद बनाना होता है तो खैर इसको रख दिया था प्याले में करके और अब आ जाएंगे दूसरी रेसिपी अच्छा जी छोले और आलू की तरकारी बनने जा रही है मजेदार सी तो उसके लिए सबसे पहले जो स्टेप किया है मैंने वो दिखा देती हूँ यहाँ पे वो फ्राई हुई भी अनियन ले ली थी आधा कप उसके अंदर तीन बड़े साइज के टमाटर लिए थे उनको उन दोनों को ब्लेंड कर दिया ठीक है फ्राई अनियन लेके फिर ब्लेंड किया है और अब इसको चढ़ा देंगे आप ऑयल कितना डाल रहे हो ऑयल मैं डाल रही हूँ थोड़ा ज़्यादा सा डाल रही हूँ तकरीबन एक कप के करीब ना एक कप से थोड़ा सा ज़्यादा क्योंकि आलू और जो छोले हैं ये है ना सारा दिन सर्व होगी रात तक ना रात तक सर्व होगी और गर्म होगी बार बार तो ऑयल गाया भी नहीं बार हमने ऑयल डाल दिया इसमें तकरीबन सवा कप की करीब ठीक है आलू लिए हमने दो किलो इनको बॉईल करके मैश कर लिया है और यहाँ पर मसाला देखना अच्छा ये अचारी स्टाइल बनने जा रहा है इधर लिया ले आती हूं मसाला और धनिया मैंने ले लिए तकरीबन 3 टू 4 टेबलस्पून के बराबर सौंफ ले लिए 3 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून जीरा है 1 टेबलस्पून कलौंजी है और ये कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर 2 1/2 1/2 टेबलस्पून अच्छा दो किलो हमारे पास ये है आलू और एक पाव हमारे पास चने हैं बॉईल हुए हुए और इसके अलावा इसमें जाएगा ये अचार ये शमली का अचार है काफी चटपटा सा का है तो ये चला जाएगा खटास के लिए ना अबे नमक कितना डालोगे नमक मैं इसमें ऐड करूंगी टू टीस्पून के बराबर टू टीस्पून के बराबर हाँ, ऑयल हमारा गर्म हो गया है तो हमने क्या करना है ये मसाला सारा इसमें डाल देंगे फ्राई जैसी होगा फिर इसमें जाएगी प्याज अरे वाह, प्याज और टमाटर का ये पेस्ट, पेस्ट चला जाएगा इसको भून लेंगे अच्छी तरीके से हमने सोचा इस बार जरा मिक्स करके बना लेते हैं अलग अलग नहीं चार बजने बड़ा कम टाइम हमारे पास के काम कर रहे हैं अच्छी सी खुशबू आ जाए इसमें अच्छे से फ्राई हो जाए उसके बाद ऐड करना है अब इसके अंदर मैं ये पेस्ट ऐड कर दूंगी और जल्दी पानी नहीं डाल दूंगी उसमें हल्का सा डालो ताकि वो निकल जाए पूरा मैं ऐसे ही निकाल दूँगी थोड़ा अच्छा हाँ टाइम नहीं है ना अभी इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड करना है बहुत वही एक से ज़्यादा ही डालो ये जग में रखा है ना यही डाल दो इसी को बता दो मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट कितना तकरीबन डेढ़ टेबल स्पून और ये भी मैंने पानी ऐड करके डाल दिया है ठीक है अब ये आ, भुन जाएगा इसके साथ ना लहसन के साथ देन इसके बाद फिर बस दोनों चीज़ें जाएंगी हाँ नमक ऐड कर रही हूँ टू टी स्पून डाल रही हूँ बाद में टेस्ट कर लूँगी अगर ज़रूरत होगी तो हम ऐड कर देंगे इसको बस भूनना है बहुत अच्छी तरीके से भुनाइए अच्छी करके फिर दोनों चीज़ें ऐड कर दीजिए ये देखिए मसाला अच्छे से भुन गया अब वो अचार कब डालोगे तकरीबन एक पाउच छोले और इसमें जाएंगे दो किलो आलू बहुत ही मजेदार सा फ्लेवर बन के तैयार होगा ये लो डाल दो आराम आराम से डाल दो अच्छा ये मैंने हाथ से मैश किए हैं आज से क्रीम ऐड किए थे क्योंकि वो जरा मोटे पतले आनी चाहिए ना एक ताकि हाँ। पूरी से खाएं तो फिर मजा आए सब चीज होगा सब रखेंगे हां सब चीज होगा ना लेकिन वाले में आए ना वो फिर पेस्ट अच्छा नहीं लगता मसाला हम भूल गया उसको में पानी ऐड कर देंगे तब तक मिक्स करने में खाली हो

फॉर्म से पाँच से दस मिनट ही पकेगी और ये बहुत जल्दी भी तैयार हो जाती है बताओ हम अचार डालेंगे बाजार वाले टाटरी ऐड करते हैं पहले मैं भी वही करती थी लेकिन हमें अचार डालने लगे हाँ और इसी का थोड़ा सा ऑयल भी डाल दें इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है वैसे ही बड़ा ज़्यादा ऑयल है हमें देख के हो रहा है ऑयल अच्छा हाँ किसी ने कमेंट करके बताया था वो हमें भी बाद में रियलाइज हुआ था हम पहले नेशनल का लेते थे आ, आ, और अच्छा। अब हमने शंगरीला का लिया था तो हमें आइडिया नहीं हुआ कि क्रश देखा बस हमने कंपनी नहीं देखी थी लेकिन ये बहुत मज़े का ये वाला हाँ बहुत मज़े का है वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा हाँ वो भी अच्छा है लेकिन इसमें चटक है अच्छा इसके अंदर मैं ज़रदा फूड कलर ऐड कर रही हूँ आखिर का है बस सारा ही डाल दिया चलो तकरीबन ये होगा हाफ़ टी स्पून हाफ टी स्पून के बराबर ताकि इससे ना कलर बहुत प्यारा आ जाए और हमारी तरकारी ना बिल्कुल बाजार जैसी बने ये रेडी हो गई है मिक्स तरकारी हो गई मिक्स तरकारी है। हमने कहा तरकारीट को हम मिक्स कर देते हैं अलग अलग नहीं बनाते क्योंकि जस्ट ये मुंह नमकीन करने के लिए ही रखी जाती हैं चीजें जैसे खाया खाया तो बस वो खीर पूरी हो ये खीर पूरी और मतलब टिक्कियाँ खाई जाती हैं लेकिन हम सेवरी का ऑप्शन रखते हैं क्योंकि वो फिर दिल वो होता है ना कि खाली मीठा मीठा और फिर हर कोई खाता भी नहीं है हम्म चलो बस ये पांच मिनट पकेगा उसके बाद डन है उसके बाद ऑयल आ जाएगा हाँ, पके? अब हम तैयारी करते हैं उसकी अम्म पूरी की, पूरियों की। तो भाई तरकारी वग़ैरह से फारिग होने के बाद हमने जल्दी से प्रेस करी क्योंकि बस असर होने वाली थी मैंने बोला जल्दी से प्रेस करूं और हम सब रेडी हो जाएं ये है अम्मी का ड्रेस वो प्रेस कर दिया था ये आपको हमने शेयर भी किया था हम तो राबी सेंटर से, से। राबी सेंटर से लिया था और ये है अपिया का ड्रेस ये मैं दिखा रही थी यह शर्ट थी और इसका मतलब ये वाला जो ये है शलवार

जब शेयर करेंगे ना जब मतलब हम पहले तब आपके साथ शेयर कर देंगे अच्छा ये जोया का सूट का कलर है तो बहुत प्यारा लेकिन इसके अंदर कैमरे ने धोखा दे दिया वो दिखा नहीं पाया इसको कैसा ये सूखी भी मेहंदी का कलर हाँ। है ये सूखी भी मेहंदी का कलर है बहुत प्यारा कलर है मुझे तो बहुत पसंद आया था आप लोग बताएगा अपिया का सूट अम्मी का सूट और मीरा सूट आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताएगा अच्छा खैर हम फिर जल्दी से हो गए थे रेडी रेडी होने के बाद हमने बोला बस असर होने ही वाली है जल्दी से अपिया बना लेते हैं पूरिया और उसके बाद हमें फौरन नियाज देनी थी क्योंकि हमने इस तरह से इनवाइट किया था सबको कि अपने जितने नेबर्स थे ना उनको हमने असर के बाद की टाइमिंग दी थी और कह दिया था असर और मगरिब के दरमियान आप लोग आ जाइएगा तो इसी तरह हमने सबकी टाइमिंग्स ना अलग रखी थी क्योंकि सेवेंटी पीपल को एक साथ हम घर में नहीं इन्वाइट कर सकते थे हाँ। तो हमने इस तरह से सबकी ना टाइमिंग्स अलग रखी थी कि नेबर्स को अलग टाइमिंग दी थी फिर उसके बाद रिलेटिवस को हमने कहा था मगरब के बाद या इशा के बाद आइएगा फिर उसके बाद भाई के फ्रेंड्स और बाकी सब फैम्स और बाकी जो और लोग हैं उनकी टाइमिंग वो रात की होती

उसमें ऐसे बताया था इसमें ऐसे क्यों बता रही है तो इसमें ऐसे इसलिए बता रही है कि बल्क क्वांटिटी में बन रही है यहाँ पे और जल्दी और जल्दी बनानी जल्दी बनानी होती है तो इस वजह से थोड़ा सा सूखा मैदा बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लेकिन बहुत थोड़ा सा लगा के इसको जल्दी बेल के, जल्दी बेल के क्योंकि यार जल्दी जल्दी बेल के उसको सर्व करना होता है और ये पता नहीं कितनी बार ये पूरियां बनती हैं क्योंकि हम गर्म गर्म ही सर्व कर रहे होते हैं पहले से बना के नहीं रखी जाती क्योंकि मैदे की पूरी होती है वो रबड़ जैसी हो जाती है खाई नहीं जाती हैं हाँ ठंडी नहीं खाई जाती तो कोई दूसरा कैसे खाएगा तो जो चीज़ हम नहीं खा सकते वो

सर्विंग ही करनी है और ये सिलसिला हमारा मतलब ये सिलसिला चलता रहता है, मतलब तो हाँ, है।, है क्योंकि लास्ट में भाई के फ्रेंड्स वगैरह आते हैं और अच्छा मैंने जो पूरी का आटा गूंदा था ना मैं सेकंड बैच भी गूंधती हूँ और ऐसे ही होता है की क्योंकि रात के टाइम पे पता नहीं होता कितने लोग अभी आने हैं और भाई के फ्रेंड्स का असल में ऐसा है कि कभी हो, ऐसा होता है कि चार पांच लोग आते हैं कभी ऐसा होता है दस बारह या फिर पंद्रह एक साथ आ जाते हैं hmm. तो फिर हमें पता नहीं होता तो फिर ना क्योंकि मैदा आप इतनी देर तक गूंज के नहीं रख सकते वो फर्मेंट होना स्टार्ट हो जाता है आ, गर्मी का टाइम होता है और जब घर में इतनी फ्राइंग हो रही हो तो घर में अच्छी खासी गर्मी हो जाती है तो इस वजह से ना मैं बस थोड़ा सा गूंदती हूँ आटा मतलब तीन किलो गूंदा और फिर बाद में मुझे जरूरत होगी तो मैं एक किलो या दो किलो जितना भी जरूरत है तो आप ये ना बाद में रात में जाके गूंदा था दस बजे के बाद की बात तो थोड़ी सी जरूरत हुई थी, थी तो मैंने गून के रख लिया था आटा अच्छा यहाँ पर मुझे ये था, जब लोग आएंगे तो फिर मैं, ये बना लूंगी, और फ्रेश, फ्रेश। मैं क्या करती हूँ मिले ना तो आप ना अच्छे से ना क्या कहते हैं पूरिया जो है जल्दी जल्दी बिल जाती हैं मतलब आप फॉरन फॉरन पेड़े बना के इसको सर्व करेंगे तो नहीं बिल ही नहीं जाएंगी अच्छी नहीं मिलती है और फ्राई भी अच्छी नहीं होती है ना आड़ी टेढ़ी हो जाती है राउंड नहीं बेली

वाला गुजरा लेकिन मजा बहुत आया <laughs> बहुत मजा और ये साल का एक दिन होता है ये सारा दिन बड़ा 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 बिजी होते हैं दो दिन हमारे बिजी माशाल्लाह इतनी रौनक होती है पूरा दिन इतनी रौनक होती है मतलब हर वक्त मेहमान होते हैं मतलब असर के बाद से मेहमान होते हैं और रात तक मेहमान होते हैं माशाल्लाह से और बहुत रौनक होती है घर में खैर मजा बहुत आता है और आप कह लें एक अच्छा सा गेट टुगेदर हो जाता है सबसे मुलाकात होती है एक अरसे के बाद होती है उन लोगों से भी मुलाकात हो जाती है आपकी जिन लोगों से मिलना

बस एक एक स्लाइस, स्लाइस खाए हुए थे तो हमें भूख लग रही थी बहुत ज्यादा तो हम लोग मैंने पूरियां फ्राई करी फ्रेश और मैंने कहा कि यार बैठ के खा लो क्योंकि रात तक फिर हमें मौका नहीं मिलेगा बैठने का दस्तरखान पे ना तो हम लोग फिर यहाँ पे बैठ के हम बस हमने खाया थोड़ी थोड़ा हाँ थोड़ा थोड़ा खाया और जो हमारा ना दस्तरखान भेजता है ना असर के वक्त वो रात तक ही बिछा रहता है माशाल्लाह माशाल्लाह से हाँ, मेहमान आते हाँ, रहते आते, हैं, रहते, आते रहते, 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 रहते रहते, रहते, हैं तो वो रात तक ही बिछा रहता और अच्छा, रहता अच्छा है। मैं ये बताऊं एक बात मैं आप लोग बोलेंगे कि दो साल तक तो नहीं दिखा आप लोगों का जाहिर सी दो साल कोविड का सिलसिला था वरना हमारे घर में हमेशा इसी तरह से कूडे होते हैं और हमेशा इसी तरह से न्याज होती है जाहिर सी बात है जब कोविड का सिलसिला चल रहा था तो फिर हमने किसी को भी नहीं बुलाया था सिर्फ घर घर की हद तक हमने अपनी ही हद तक न्याज करवा ली थी बिल्कुल नास करवा रही थी अच्छा जब हम बहुत छोटे थे तो घर घर में होती थी जब इतना नहीं होता था दैट से बातें बात अकेले ना आप जिनके छोटे बच्चे होंगे उनको पता होगा मैनेज नहीं कर पाते होंगे लेकिन ये कि जब हम थोड़े बड़े हुए तो फिर वो अच्छा यूज क्वांटिटी में होना स्टार्ट हो गई क्योंकि हम लोग मैनेज करना स्टार्ट कर दिया था वैसे हम बहुत छोटे थे हमने तब से ये काम वाम करने की आदत है हम लोगों को और हम अम्मी के साथ लगे रहते थे हमेशा से ना मतलब ऐसा नहीं है कि इतने बड़े होने के बाद हम लोगों ने फिर काम करना स्टार्ट किया नहीं हम जब छोटे छोटे थे तब से ही हम लोगों ने दस साल क्या? दस ग्यारह साल, के साल हाँ। दस साल की उम्र से हम मम्मी के साथ किचन में हमेशा से ही लगे रहे हैं छोटे मोटे काम हो या जो भी काम हो हमेशा से इसी तरह से काम करते रहे हैं और की बात होती है अभी भी हाँ करते ही है अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी इतना हौसला दिया अल्लाह का बहुत बहुत अच्छा खैर आप लोग ये बताइएगा की आप लोगों को ये सारी रेसिपीज कैसी लगी क्योंकि मेरी पूरी कोशिश थी की पांचों की पांच रेसिपीज मैं दू मतलब पूरी खीर कु मीठी टिकिया और दोनों तरह की तरकारियाँ मतलब राजमा की रेसिपी और छोले आलू की तरकारी की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताइएगा और आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा चाहे कम क्वांटिटी में ट्राई करें लेकिन मसाले तो आपको बता दिए ना तो आप उसको हिसाब से उसको खुद ही एडजस्ट कर लीजिएगा अच्छा ली यहाँ पे क्वांटिटी वगैरह बताने का मकसद यही होता है अक्सर लोग मुझे कमेंट करके बोल रहे होते हैं कि हमें इतनी क्वान्टिटी बनानी बनानी है तो प्लीज सारे मसाले हमें बता दें आप ना तो ऐसे हर किसी को जवाब देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है इधर मैंने बता दिया है तो आप लोग खुद अपनी क्वांटिटी के हिसाब से अपने टेस्ट के हिसाब से चीज़ें ऐड कर सकते हैं क्योंकि जो जो लोग किचन में काम करते हैं खाना पकाते हैं तो उनको इतना तो नॉलेज होती है पता ही होता है ना कि यार आपके घर में किस तरह का टेस्ट खाया जाता है तो बस मसाले आपको पता है तरीकेकार पता है तो अपने हिसाब से आप लोग ऐड कर लिया करें और तो वो चीज़ बन जाएगी उसी तरह से बनेगी और आपके टेस्ट के हिसाब से बनेगी जब आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे जैसे कि हम लोग बहुत स्पाइसी खा

ऐसा कुछ खाया हुआ भी नहीं था मतलब हाँ ना? कुछ ऐसा ठोस हमने खाया हुआ भी नहीं था आ, मतलब शाम में भी बैठ के बस एक एक पूरी हम लोगों ने चखी थी और मतलब एक एक पूरी ही खाई थी और इससे ज्यादा हम लोगों ने नहीं खाया था फिर हम अपने काम में बिजी हो गए थे और यही होता है सारा दिन जब कोई दावत वगैरह कुछ हो इस तरह का ना तो हम बहुत बिजी रहते हैं और खाने पीने का ध्यान नहीं रखते और ये जी बारह बज रहे थे और मैं पूरियाँ फ्राई कर रही थी ये लास्ट वाली पूरी थी इसके बाद पूरिया नहीं फ्राई हुई थी क्योंकि भाई के फ्रेंड्स वगैरह ने आना था उनके लिए मैंने पूरियाँ क्योंकि पेड़े बने हुए रखे थे मैंने कहा वो आने वाले रास्ते में तो मैं पूरी फ्राई करके रख देती हूँ उसके बाद में बैठ जाऊंगी बस सब कुछ ये फिनिश हो जाएगा फिर मैंने कोई काम नहीं करना तो खैर उसको फिर जब वो लोग फ्री हो गए फिर उसको समेटते समेटते भी हमें दो सवा दो हो गए थे और फिर ना ये था कि अब भूख का लेवल भाई आ, आउट होने जा रहा है और अच्छा ये मैं बता दू ये भाई की फ्रेंड लेकर आए थे मिठाई लेकर आए थे तो हम ना हमने ना कर दिया था रात में खाना ऑर्डर क्योंकि ना जो पूरे दिन जो हमने ये मतलब जाहिर सी बातें पूरियाँ फ्राई हो रही थी जो भी। दिन से हम जो तैयारी कर रहे थे ना दिल बिल्कुल भर जाता है और जो चीज घर में होती है ना सारा दिन फ्राई करना और अ, अ, मतलब ये सारी चीज़ों की ना खुशबू एकदम बसी हुई होती है तो आपसे वो खाना नहीं खाया जाता मुझसे तो नहीं खाया जाता हकीकत बातें नहीं खा पाती हूँ वही वो, वो चीज नहीं खा पाती नहीं तो खैर हम लोगों ने खाना अपने लिए बाहर से ऑर्डर कर लिया था हमारा ये होता है हम नेक्स्ट डे खाते हैं उस दिन नहीं खा पाते हाँ क्योंकि थक तो इतना जाते हैं और वही चीज आप जो बार बार आपने ना सबको सर्व की हो ना बार बार ट्राई करके कि खुशबू बस जाती है दिमाग में और दिल ऐसा लगता है भर गया लेकिन कुछ खाना भी था तो फिर हम लोगों ने बाहर से ऑर्डर कर दिया था अपना खाना और हम और... हम उसका वेट उसका वेट वेट कर रहे थे करते करते हम ये मिठाई खा रहे थे <laughs> मिठाई खा रहे थे क्योंकि ना बस एक जगह बैठ गए थे फिर बस हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ भी करने की कि हमने कहा था बस खाना खाएंगे और थोड़ी देर बाद हम सो जाएंगे क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही थी किसी भी चीज की और वो जो हमने ऑर्डर किया था वो आपके साथ शेयर करेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में क्योंकि ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता तो नेक्स्ट व्लॉग जरूर देखिएगा से वही से वहीं हमने कर कर दिया था अपना दूसरा तो तो इस को कर देते हैं यहीं पे एंड आप लोगों ने बताना है, आज का कैसा लगा अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा साथ साथ कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग अल्लाह